हाय एवरीवन, कैसी है सब लोग। आज मैं ऐसी एक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेस्टी बनती है, जिसका नाम है खरवस और कुछ लोग जुन्नू भी कहते हैं। खरवस एक तरह की हल्की मिठाई जो कि गाय की डिलीवरी के बाद जो पहले 3 दिनों में दूध आता है उससे बनती है। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। ये दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, इसको ऐसे नहीं पिया जाता है। फिर ये दूध को क्या करना है तो आप जानना चाहोगे, इससे क्या करते हैं, इससे बनती है मिठाई, फिर देरी किस बात की है। चलिए वीडियो शुरू करें। यहाँ मैंने 2 ग्लास दूध लिया है, करीबन 1/2 लीटर। ये दूसरा दिन का दूध है, ज्यादातर लोग इसे घीस भी बोलते हैं। ये कच्चा दूध है, बिल्कुल ताजा है। ये दूध हल्का सा पीला कलर रहेगा। अब 2 ग्लास दूध ले लिया है, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। पानी की जगह आप नॉर्मल दूध भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास चीनी। चीनी अपना स्वादानुसार डालें। चीनी गुलने तक अच्छे से मिक्स कर लें। सेकंडरी में दूध गाढ़ा रहता है, इसलिए पानी मिक्स करना है। बिना मिक्स किए डायरेक्ट ऐसे बना देंगे तो सॉफ्ट नहीं बनेगा। आपको चेक करना है तो पानी मिक्स किए बिना एक बार थोड़ा सा दूध बना के देख लो। फिर इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से टेस्ट भी आएगा, अच्छा खुशबू भी आएगा। अब तो हमारा चीनी भी घुल गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा ले, उसके अंदर पानी डाल के एक स्टैंड रखकर ढक्कन बंद करके पानी को गर्म होने दे। इसके अंदर सफिशियंट पानी डाले, नहीं तो कढ़ाई जल सकता है। बीच में एक बार चेक कर लेना, पानी कम पड़ेगा तो डाल दे। अब देखिए पानी गर्म हो चुका है, फिर इसके अंदर रखेंगे दूध वाला बर्तन। कढ़ाई गर्म है, दूध वाला बर्तन ध्यान से रखिए, हाथ लग ना जाए। फिर ढक्कन बंद करके 30 मिनट तक इसको पकने दे धीमी आंच पर। क्वांटिटी के हिसाब से आपका टाइमिंग रहेगा, उसका ध्यान जरूर रखिए। इसकी जगह आप केक टिन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह थाली में भी बना सकते हैं। अब 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं किस तरह बना है। अब तो हमारा मिल्क पुडिंग बनके तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। आपको चेक करना है तो एक टूथपिक या नाइफ की मदद से चेक कर ले, जिस तरह हम केक को चेक करते हैं। इसी तरह आप थाली में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करें। ये तो 10 मिनट में बन जाता है। 10 मिनट के बाद इसको खोल के देखें किस तरह बना है। अब तो ये भी बन गया है। अब गैस बंद कर दें। दोनों तरीके से हमारा मिल्क पुडिंग बन के रेडी है। ठंडा होने के बाद ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, नहीं तो फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडे चीज खाने में अच्छे लगते हैं। अब देखिए इसको काट के दिखाऊंगी, ये बहुत सॉफ्ट बना है। एक बार तो ये रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।